Welcome to my channel. मेरा नाम है आर्यन साबत, यंगेस्ट ट्रेनर एंड ऑथर, मेमोरी मास्टर एंड लाइफ कोच. आज आपको ऐसा कुछ चार पॉइंट बताने वाला हूँ जिसे आप अपने लाइफ में अप्लाई करके आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. ये है पार्ट टू ऑफ द वीडियो टाइटल्ड हाउ टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ इन 7 days. मैंने अपने पहले पार्ट में आपको बताया था 3 points 3 दिन के कि आपको कैसे 3 दिन में आपके लाइफ को चेंज करना है. और उस वीडियो में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको मैं अगले 4 दिन के 4 पॉइंट भी बताने वाला हूँ. और जो मैंने आपको प्रॉमिस किया से मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, तो मैं लेके आ चुका हूँ आज का वीडियो अगले 4 pending point का, जिससे आप टोटल 7 days कंप्लीट हो जाएंगे और आप अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो आज के सेकंड पार्ट का सबसे पहला पॉइंट है रीडिफाइनिंग हैप्पीनेस. हैप्पीनेस का आज का मतलब जो है बदल चुका है. पहले हैप्पीनेस कुछ अलग उसका मीनिंग था और आज का अलग मीनिंग है. आज जो है हैप्पीनेस का मीनिंग बच्चों के लिए स्कूल से छुट्टी, कॉलेज से छुट्टी, और बड़े लोग के लिए जॉब से छुट्टी, या तो फिर दिन भर टीवी देखना, दिन भर मोबाइल देखना. हैप्पीनेस का मीनिंग अलग ही हो, अलग मीनिंग निकल चुके हैं हैप्पीनेस के ये टाइम में. लेकिन हैप्पीनेस का रियल मीनिंग है लोगों को मदद करना. हमें इतना अच्छा मेमोरी पावर, इतना अच्छा दिमाग दिया है भगवान ने ताकि हम लोगों को मदद कर सके. वही है असली खुशी, वही है असली रियल हैप्पीनेस जो आप बहुत कम लोग पा सकते हैं. इसमें सिर्फ आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगा, सबसे जरूरी बात वो आपको ब्लेसिंग्स देंगे. ब्लेसिंग्स इतने पावरफुल होते हैं कि आपको जो कोई भी ऑब्स्ट्रैकल्स है वो ऑब्स्ट्रैकल्स को रोकेंगे. ब्लेसिंग्स इतना पावरफुल है कि मैं उसके ऊपर एक नया वीडियो लेके आने वाला हूँ. वो वीडियो का आप जरूर विजिट कीजिएगा, बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है आगे. लेकिन हैप्पीनेस का मीनिंग एक है जो आपको आज का फॉलो करना है, लोगों के लिए कुछ करना है इस लॉकडाउन में. इस लॉकडाउन से पहले सुदर्शन फाउंडेशन का जो लोगों को हेल्प किया, एक खाना प्रोवाइड किया, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाना प्रोवाइड करते हैं वो सक्सेसफुल हो पाते हैं. आप देखेंगे मुकेश अंबानी जी के करोड़ों रुपया, फेसबुक का ऑलमोस्ट 90% ऑफ इनकम जो है जाता है लोगों को हेल्प करने को, बिकॉज फेसबुक के ओनर को पता चल गया जो कॉन्सेप्ट क्या है ब्लेसिंग्स का. इसीलिए आज के डेट में फेसबुक इतना सक्सेसफुल है कि कोई बता नहीं सकता इतना सक्सेसफुल है. इसीलिए आज के डेट में लोगों को देना है जिससे आपको असली खुशी मिल पाएगा. कम ऑन रिपीट विद मी, सबसे पहले आपको लोगों को खुशी देना है, तभी आपको खुशी मिलेगा, फिर आपको ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग्स मिलेगा, और ब्लेसिंग्स मिल गया आप सक्सेसफुल हो जाएंगे. तो हमारे पार्ट टू वीडियो का सेकंड पॉइंट है प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड आज की दुनिया में खत्म हो चुका है. हमें सबको, जो भी वीडियो देख रहे, जो भी इस दुनिया में, उन सबको पता है कि हमारे इस दुनिया के 2 golden words क्या है, सॉरी एंड थैंक यू. लेकिन कितने लोग इन वर्ड्स को यूज करते हैं? आपने हर जगह अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहन से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड्स से, दूसरे कलीग से सुना होगा कि ये 2 golden words आपको यूज करना है. लेकिन आपने कितनी बार यूज किया है, आप इस वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं. सुनना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है. कम ऑन रिपीट विथ मी दिस गोल्डन स्टेटमेंट, नॉलेज नॉट यूज इज गार्बेज. नॉलेज जो यूज नहीं होता वो कचरा के बराबर है. तो आपको आज के बाद कभी भी नॉलेज को अपने अंदर नहीं रखना, नॉलेज शेयर करना है और अप्लाई करना है. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही चीज है. अप्लाइंग थिंग्स इन आवर लाइफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आजकल हमेशा वो चीज आपके माइंड में होना चाहिए. तो ग्रैटिट्यूड आपको हमेशा रखना है. जो मैं ये पूरे वीडियो के द्वारा, ये पूरे पॉइंट के द्वारा मैं बताना चाहूँगा कि ग्रैटिट्यूड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप सभी लोग कितनी बार भगवान को जाके बोलते होंगे कि मुझे कार दे दीजिए, मुझे बंगला दे दीजिए, मुझे पैसा दे दीजिए, लेकिन भगवान के पास वो पावर ही नहीं जो आपको इतना सब कुछ दे सके. आप अभी सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं आर्यन कि भगवान के पास पावर नहीं है देने को. भगवान खुद बोलते हैं कि मैं ये नहीं दे सकता. इसका प्रूफ मैं आपको दे सकता हूँ, एक वीडियो भी है उसके बारे में जो आप देख सकते हैं, यूट्यूब गूगल में आसानी से मिल जाएगा. शिव भगवान एक दिन जो है बहुत भगवान प्लीज मुझे कुछ दे दीजिए, तभी अचानक शिव भगवान उनके सामने उपस्थित हो जाते हैं. उनके सामने जो है पूरे अचानक से मैजिकली आ जाते हैं. तो वो पूरे लाइक
चौंक जाते हैं, ऑफकोर्स चौंकेंगे, भगवान उनके सामने आ गए। चौंकने के बाद वो बोलते हैं हे भगवान बंगला दे दीजिए। तो शिव भगवान बोलते हैं अगर मैं बंगला दे सकता तो मैं क्यों कैलाश पर्वत में रहता। तो बोले जो मांगते हैं वो बोलते हैं ऐसे थोड़ा कॉस्टली हो गया, मुझे एक अच्छा कपड़ा एक अच्छा क्लोदिंग दे दीजिए। तो भगवान बोलते हैं कि अगर मैं क्लोदिंग दे सकता तो मैं क्यों शेर का जो स्किन है वो पहनता। तो सोचते ये भी कॉस्टली हो गया। तो उन्होंने बोला मुझे चप्पल दे दीजिए, जो वुडन चप्पल है वो मैं क्यों पहनता। तो ये भी कॉस्टली हो गया। तो भगवान एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल सेंटेंस बोलते हैं, मैं आपको एक चीज दे सकता हूँ, वो ब्लेसिंग्स, पावर ऑफ फॉरगिवनेस, पावर ऑफ गेनिंग एंड गिविंग नॉलेज। ये ही आपको सक्सेसफुल बनाएगा, ना कि गाड़ी बंगला अदर थिंग्स। ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, आपको वापस रिपीट करना है, आई कैन गिव यू द पावर ऑफ गिविंग नॉलेज एंड गेनिंग नॉलेज एंड पावर ऑफ फॉरगिवनेस, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए आज के बाद आप जो मांगते हो वो मांगना ही नहीं है, पर जब आपको कुछ अचीव करते हो तभी आपको सबसे पहले जाकर अपने भगवान को थैंक्स करना है कि आपने मुझे दिया। आप में से कितने लोग थैंक्स करते हैं भगवान को जब आप कुछ अचीव करते हैं? जब आपके पास कुछ नहीं होता तभी भगवान के पास आप जाते हैं, लेकिन जब आपको कुछ मिलता है आप कितनी बार भगवान के पास जाते हैं? वही सवाल आप खुद से कीजिए और आज क्या ग्रैटिट्यूड शुरू कीजिए सबके प्रति, सिर्फ भगवान के प्रति सबके प्रति। तो थर्ड पॉइंट है लर्न एंड अर्न, लर्न टू अर्न। आपको जो है पहले सीखना होगा, नॉलेज गेन करना होगा। जब तक आप नॉलेज नहीं गेन करेंगे आपके लिए गलत चीजें सही रहेंगे। दैट मींस अगर मैं कोई चीज कर रहा हूँ और वो एक्चुअली में आप सभी के लिए गलत है और रियल में गलत ही है, लेकिन मेरे लिए सही है क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं है सही चीज का। तो आज का आपको नॉलेज गेन करना होगा ताकि आपको पता चल सके कि आप क्या गलत कर रहे हैं। आप जो सोचते होंगे कि स्कूल का पढ़ाई हम लोग तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आज गूगल यूट्यूब इतना सब कुछ, उससे ज्यादा नॉलेज मिलेगा, लेकिन सही तरीका सही मेथड एक्सप्लेनेशन इज गिवन इन स्कूल कॉलेज। इसीलिए आपको आज के बाद पहले नॉलेज सीखना होगा फिर कुछ एक्शन स्टेप लेना होगा। अगर आप डायरेक्टली बिजनेस में स्टेप कर ले तो नहीं हो सकता है, बिकॉज आपके पास नॉलेज पहले होना जरूरी है। आफ्टर गेनिंग नॉलेज यू कैन अचीव सक्सेस। नॉलेज इज की टू सक्सेस। कम ऑन रिपीट विथ मी, नॉलेज इज की टू सक्सेस। तो फोर्थ स्टेप है मेक योर प्रोफेशन योर पैशन, जो मैं लास्ट टाइम आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, मेक योर प्रोफेशन योर पैशन, मेक योर एक्टिविटी योर गोल योर पैशन। मैं पढ़ाई करता हूँ और मेरा पैशन, सबसे पहला पैशन मेरा पढ़ाई है। अगर आप जॉब करते हैं सबसे पहला पैशन आपका जॉब होना चाहिए, सबसे पहला पैशन अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस होना चाहिए, वही आपको सक्सेसफुल बनाएगा। अगर आप जॉब करते हैं मुझे बिजनेस करना था मुझे जॉब में इंटरेस्ट नहीं अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आप स्टडी करते हैं और आप बोलेंगे मुझे सब्जेक्ट पसंद नहीं है अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आपको कुछ अच्छा रिजल्ट चाहिए आपको अपने एक्टिविटीज जो भी आप करते हैं जॉब बिजनेस या स्टडी आपको पैशन बनाना पड़ेगा। इसके ऊपर मैं और एक वीडियो जरूर लेके आऊंगा, वैसे भी ये पॉइंट को मैं दूसरी बार या तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ ये वीडियो में। यू कैन विजिट माई ऑल द लास्ट वीडियोस, अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है अब तक तो यू कैन विजिट माई, दूसरी या तीसरी बार बता रहा हूँ, पर वापस मैं आप सभी के लिए ये और एक वीडियो लेके आऊंगा सिर्फ ये टॉपिक पर। सो यू शुड मेक योर प्रोफेशन योर पैशन। तो आज का वीडियो कैसा लगा? डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अगर आपने मेरे दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे नहीं किया तो यू कैन विजिट माय इंस्टाग्राम हैंडल, ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज, फेसबुक अकाउंट।